नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, उधार पे माल भेजा ऑफ रुपीज 50,000 दानिश ने बाजार। ये हम पहले भी कर चुके हैं ट्रांजेक्शन, इसको मैं दोबारा करा रहा हूँ। पहले हमने ट्रांजेक्शन की थी, देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 9, सोल मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, उधार पे माल भेजा 1,00,000 रुपये टू ए एन ब्रदर्स को। तो हमने इसकी क्या एनालिसिस की थी, सेल और अकाउंट सेबल, ठीक है। ये एनालिसिस यहाँ पर ये सेल और अकाउंट सेबल, ठीक है, माल बेच रहे सेल रेवेन्यू एसेट इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू तो क्रेडिट में चल गया। अगर एसेट ले रहे हैं, ये ब्रिटिश का था एक अमेरिकन का था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने कराया था एक ब्रिटिश पैटर्न एक अमेरिकन। अगर आप एसेट ले रहे हैं तो ब्रिटिश पैटर्न है, अगर रेवेन्यू ले रहे हैं तो आपका ये अमेरिकन पैटर्न। आपने किसको लेकर चलना है, आपने अमेरिकन पैटर्न को लेकर चलना है, सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, पूरी डिस्कस कर चुके हैं हम ये। और दूसरा आपका एसेट था एसेट अकाउंट से इंक्रीज इन डेबिट साइड। अब इसमें क्या रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम डेबिट एंड ब्रदर, डेबिट एंड ब्रदर को आपने माल भेजा था, अकाउंट सेल कैसे लेना था आपने, डेबिट एंड ब्रदर्स आपके पास माल वापस आ गया कितने का, मर्चेंडाइज रिटर्न हो गए 4,000 के। ये देखें अकाउंट सेल डेबिट, ये आ जाएगा अकाउंट सेल डेबिट, यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवर डेबिट। अकाउंट से हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट, एसेट क्या हो रहा होगा हमारा, डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, डिक्रीज, जब डिक्रीज हो रहा है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम इसको, क्रेडिट साइड पे। कितने से हमारा डिक्रीज हुआ, 4,000 से, कैसे, अगर हम इसकी यहाँ पे वर्किंग करें, हमने 50,000 का उसको सेल किया था, 4,000 उसने रिटर्न कर दिए, ये हमारी सेल थी और ये हमारे पास रिटर्न आ गया, तो कितने रह गए, 46,000 हमसे लेना है इसको। ये देख हमारी सेल कितनी थी, 50,000, रिटर्न हो गए 4,000 का और हमने से कितने लेने, 46,000। तो अकाउंट सेल हमारा कम हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, कितने लेने थे हमने उसके, 50,000 लेने थे। ये देखें 50,000 लेने थे, 4,000 का उसने माल वापस किया, तो अब कितने लेने हमने, 46। अकाउंट सेल हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट, एसेट हमारा क्या डिक्रीज, जब डिक्रीज हो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। दूसरा अकाउंट हमारे पास है रिटर्न मर्चेंडाइज, ठीक है, तो ये कौन सा आ गया, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न हमारा कौन सा अकाउंट है, रेवेन्यू का, रेवेन्यू हमारा क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, जब डिक्रीज हो रहा है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारा रेवेन्यू हमारा कौन सा अकाउंट है, डिक्रीज हो रहा होगा, जब डिक्रीज हो रहा है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में, जब डिक्रीज हो रहा है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, कितने से, 4,000। ये तो था आपका किस में, अमेरिकन में, ये आप रिकॉर्ड करते हैं किस में, अमेरिकन में, ये आपका अमेरिकन है, सेल्स रेवेन्यू, सेल रिटर्न रेवेन्यू, सेल कर रहे थे रेवेन्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, देखें सेल रेवेन्यू इंक्रीज डेबिट अमेरिकन में, सेल्स का अकाउंट अमेरिकन में, सेल रिटर्न आ गया, रेवेन्यू क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। अब इसी को अगर हम लेकर चलें ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश के अंदर सेल रिटर्न, ब्रिटिश के अंदर सेल के अकाउंट को हम क्या कह रहे थे, एसेट, ये एसेट है हमारा, एसेट क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हमारे पास आ रहा है, जब सेल कर रहे थे जा रहा था, रिटर्न कर रहा था हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो एसेट हमारा इंक्रीज हो, कहाँ रिकॉर्ड होगा आपका, डेबिट साइड में, ये ब्रिटिश में। सिर्फ फर्क क्या है आपके पास, रिटर्न का आया, रिटर्न आप अमेरिकन में रेवेन्यू कहते हैं और ब्रिटिश में क्या कहते हैं, एसेट, रिटर्न हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, रिटर्न हो रहा है अगर ब्रिटिश के अंदर, एसेट आपके वापस आ रहा है, जब वापस आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, सेल कर रहे हैं तो आपका एसेट कम हो रहा है, ठीक है, जब सेल वापस आ रहा है तो सेल आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये ब्रिटिश में या अमेरिकन में, जो आपको समझ में आ रहा है वो ले लें, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और ट्रांजेक्शन आती है, जिससे अभी हमने परचेज डिस्काउंट में किया था, ये देखें आपके पास है रिसीव अ चेक, एक चेक मिला तो हम चेक को सर्कल कर रहे हैं, किससे मिला, डेबिट से, ए रिमेनिंग बैलेंस इज डिस्काउंट, तीन हमारे पास अकाउंट आ गए, चेक डेबिट और डिस्काउंट। पहले चेक को ले लेते हैं, चेक हमारा कौन सा अकाउंट होता है, बैंक, बैंक हमारा कौन सा है, एसेट, एसेट क्या हमारा, इंक्रीज, जब इंक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे। कितने का चेक मिला आपको, 45,000 का आपको चेक मिला,
रिसीव अ चेक, चेक मिला तो चेक कौन सा अकाउंट आपका, बैंक का। बैंक क्या हो रहा है, एसेट, एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब इंक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट साइड में 45,000 का आपको चेक मिला, ठीक। किससे मिला, डेबिट से। एक और अकाउंट हमारे पास आ गया, अकाउंट रिसीवेबल, किससे, डेबिट। अकाउंट से कौन सा अकाउंट है हमारा, एसेट, एसेट क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज। जब मिल रहा है कहाँ चले जाएगा, ये क्रेडिट। कितने लेने थे हमने, देखे इसे, ये देखें 46,000 लेना है। 5,000 के सेल किए थी, 4,000 का माल वापस आ गया, तो कितने रह गए, 46,000 रह गए थे, 46,000 रह गए थे। इसने कितना दिया हमें, 45,000। कितने का फर्क आया, 1,000 का। 46,000 लेने थे हमने से, इसने 45,000 दिया। अकाउंट सेल कितने थे हमने से, 46,000 लेने थे, 46,000 ने लेने थे इसे। कितने लेने, 46,000। कितने दिए इसने, 45। कितने के दिए, 1,000 कम दिए, 1,000 का डिस्काउंट आ गया। ये कौन सा अकाउंट आ गया, डिस्काउंट, 1,000 डिस्काउंट। और कौन सा आ गया, सेल डिस्काउंट, सही। कौन सा डिस्काउंट आ गया हमारा, सेल डिस्काउंट आ गया। सेल डिस्काउंट हमारा सेल का कौन सा अकाउंट है, रेवेन्यू। सेल डिस्काउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, रेवेन्यू का। रेवेन्यू कम क्या हो रही है इस हमारी, कम डिक्रीज। जब डिक्रीज होती है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम इसको, डेबिट साइड पे। कितने से, 4,000 से, ठीक। दोबारा बता देता हूँ, 46,000 लेने थे, 45 मिले, एक कम मिला, तो हमारा कहाँ चले गया, सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, रेवेन्यू का। रेवेन्यू हमारी कम हो रही है, आपने 46 लेने थे 45 ले लिए, तो 1,000 रुपये आपको कम मिले, तो 1,000 रुपये आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। ये डिस्काउंट हमारे पास 1,000 रुपये का डिस्काउंट आ गया, ठीक है। ये हमारे डिस्काउंट का अकाउंट आ गया। अच्छा, ब्रिटिश में इसको आपके पास, ये तो अमेरिकन में था आपके पास, ब्रिटिश में इसको आपके कहते हैं सेल डिस्काउंट करके डिस्काउंट एक्सपेंस कहते हैं, डिस्काउंट एक्सपेंस, ठीक है। ब्रिटिश में क्या कहते हैं, डिस्काउंट एक्सपेंस। जबकि परचेज डिस्काउंट को ब्रिटिश में क्या कहते थे, अभी हमने किया था, याद है आपको, क्या कहते हैं परचेज डिस्काउंट को, डिस्काउंट इनकम, ठीक है। ये देखें, ये ब्रिटिश में परचेज डिस्काउंट, डिस्काउंट इनकम, और सेल डिस्काउंट, डिस्काउंट एक्सपेंस, ठीक, ये ब्रिटिश में कहते हैं। अच्छा, इसको मैं रेवेन्यू लेकर चल रहा हूँ, इसको आगे जाके अगर किसी बुक में आप पढ़ेंगे तो इसको कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी कहते हैं, कॉन्ट्रा रेवेन्यू। अब कॉन्ट्रा रेवेन्यू जो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये आपकी जो बुक लेंगे तो बुक के अंदर, खास मीक्स एंड मीक्स के अंदर, ये मीक्स एंड मीक्स के अंदर शायद मेरे ख्याल दिया है, मीक्स, मीक्स एंड मीक्स में सेल डिस्काउंट को उसने कॉन्ट्रा रेवेन्यू दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रा रेवेन्यू हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे।